अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है जिसकी शफकत अबदी है सो क्या जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया है वो हक है उस शख्स के मानिंद हो जाएगा जो अंधा है ये एक याद दहानी है और याद दहानी तो वही हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और अपने इस पैमान को तोड़ते नहीं और जो उस चीज़ को जोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है और अपने रब से डरते और बुरे हिसाब का अंदेशा रखते हैं और जो अपने रब की रज़ा तबी में साबित क़दम रहे और नमाज का अहमाम किया और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया उसमें से खुले और छुपे खर्च किया और जो बुराई को भलाई से दफा करते हैं अगले घर का अंजाम उन्हीं के लिए है अबद के बाग जिनमें वो दाखिल होंगे और वो भी जो उनके आबाजाद और, और उनकी बीवियों और उनके औलाद में से इसके अहल बनेंगे फ़रिश्ते हर दरवाज़े से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम लोगों पर सलामती हो इसलिए कि तुम साबित क़दम रहे सो क्या ही खूब है ये अगले घर का अच्छा अंजाम? इसके बरखिलाफ़ जो अल्लाह के अहद को उसके बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और इस तरह ज़मीन में फसाद फैलाते हैं वही हैं जिनके लिए लानत है और जिनके लिए उसका घर निहायत बुरा अंजाम भी है अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी अता फरमाता है और जिसके लिए चाहता है उसे तंग कर देता है ये इस हकीकत को नहीं समझे और इसी दुनिया की ज़िंदगी पर रीझे हुए हैं दरा हाल के दुनिया की ये ज़िंदगी आखिरत में महज एक मताय हकीर ही निकलेगी ये किरन कहते हैं कि इसके परवरदिगार की तरफ से इस शख्स पर कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई इनसे कह दो अल्लाह जिसको चाहता है अपने क़ानून के मुताबिक इसी तरह गुमराह कर देता है पर अपना रास्ता उन्हीं को दिखाता है जो उसकी तरफ मुतवजे हों जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की इस याद दहानी से मुतमिन होते हैं सुनो अल्लाह की याद दहानी ही से दिलों को इतमान हासिल होता है जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए उनके लिए खुशखबरी है और अच्छा ठिकाना है हमने इसी तरह पैगम्बर ऐसी किसी निशानी के बग़ैर ही तुमको एक ऐसी कॉम में रसूल बनाकर भेजा है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं इसलिए कि तुम उन्हें वो पैगाम सुना दो जो हमने तुम पर वही किया है हर चंद व खुदा रहमान का इनकार कर रहे हैं इनसे कहो कि वही मेरा परवरदिगार है उसके सिवा कोई इलाह नहीं मैंने उसी पर भरोसा किया है और जानता हूँ कि एक दिन उसी की तरफ लौटना है हकीक़त यह है कि अगर कोई ऐसा क़ुरान भी होता जिससे पहाड़ चलने लगते या ज़मीन टुकड़े हो जाती या उससे मुर्दे बोलने लगते तो क्या ये ईमान ले आते नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है कि इन्हें निशानियां दिखाओ बल्कि तमाम इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है फिर क्या ईमान वाले ये जानकर भी इनसे मायूस नहीं हुए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता तुम देखते रहो इन मुनकरों पर बराबर कोई ना कोई आफत इनके अमाल की पादाश में आती रहेगी या इनकी बस्ती के करीब कहीं नाजिल होती रहेगी यहां तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो यकीन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ वर्जी न करेगा तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने इनकार करने वालों को ढील दी फिर मैंने उनको पकड़ा तो देखो कि कैसी थी मेरी सजा फिर क्या वो जो एक एक शख्स के अमल की खबर रखने वाला है और जो किसी बात पर कुदरत नहीं रखते हैं और इन्होंने इसी बिना पर अल्लाह के शरीक बना लिए हैं इनसे कहो उनके नाम तो बताओ क्या तुम खुदा को ऐसी चीज़ की खबर दे रहे हो जिससे वो खुद अपनी ज़मीन में बेखबर है या फिर ऊपरी बातें कर रहे हो नहीं बल्कि इन मुनकरों के लिए इनका फरेब खुशनुमा बना दिया गया है और ये राह हक़ से रोक दिए गए हैं हकीकत यह है कि जिन्हें अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे उन्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं सख्त है और उन्हें कोई अल्लाह से बचाने वाला ना होगा इसके खिलाफ अल्लाह से डरने वालों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी तस्वीर यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही होंगी उसके फल दायमी और उसका साया लाजवाल होगा ये उन लोगों का अंजाम है जो खुदा से डरने वाले हैं और मुनकरों का अंजाम यह है कि उनके लिए दो की आग है हमने जिनको किताब अता फ़रमाई है वो उस चीज़ से खुश हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और तुम्हारे मुनकिरीन के ग्रोहों में ऐसे भी हैं जो उसकी बाज़ चीज़ों को नहीं मानते तुम उनको साफ कह दो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि खुदा ही की बंदगी करूं और किसी को उसका शरीक न ठहराऊं, मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मेरा लौटना है हमने ये किताब इसीलिए एक, एक फरमान की हैसियत से अरबी में उतारी है अब अगर तुम उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करोगे तो अल्लाह के मुकाबल में न तुम्हारा कोई मददगार होगा न बचाने वाला इन्हें ऐतराज़ है कि तुम कोई निशानी क्यों नहीं दिखाते और दुनियावी अलायक क्यों रखते हो हमने यह पैगम्बर तुमसे पहले भी रसूल भेजे थे और चूँकि इंसान ही थे इसलिए उनको बीवियाँ भी दी थी और औलाद भी और किसी रसूल के इतियार में नहीं था कि वो इज्न इलाही के बग़ैर कोई निशानी ला दिखाए हर चीज़ के लिए एक वक्त है और हर वक्त के लिए एक नविश्ता है अल्लाह जो कुछ चाहता है उसमें से मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है बाकी रखता है और इस नविश्ते की असल उसी के पास है हम जो वईद इन्हें सुना रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हम तुम्हें दिखाएं या तुमको वफात दें और इसके बाद इनसे निमटे बाहर कैफ तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पहुँचाना है और इनका हिसाब लेना हमारा काम है क्या ये नहीं देख रहे कि सरजमीन को हम इसके किनारों से कम करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे हैं अल्लाह फैसला करता है कोई उसके फैसले को हटाने वाला नहीं है और वो बहुत जल्द हिसाब चुका देने वाला है जो इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी चालें चली थीं, मगर चालें सब अल्लाह के अख्तियार में हैं हर एक जो कुछ कर रहा है वो उसको जानता है और ये मुनकरीन भी करीब जान लेंगे कि अगले घर का अच्छा अंजाम अच्छा किसके लिए है ये सब सुनने के बाद भी तुम्हारे मुनक्रीन कहते हैं कि तुम खुदा के भेजे हुए नहीं हो कह दो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है और उन लोगों की गवाही जिनके पास किताब का इल्म है अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है जिसकी शफकत अबदी है ये सूरा अलिफ लाम रा है, ये किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ उतारी है इसलिए कि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ उनके परवरदिगार के इज्जन से उस खुदा के रास्ते की तरफ जो जबरदस्त है अपनी जात में आप महमूद है वही अल्लाह के आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है तुम इसका इनकार करोगे याद रखो उनके लिए जो इस किताब के मुनकर हैं एक शदीद अजाब की तबाही है उनके लिए जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और खुदा के रास्ते से रोकते हैं और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं ये लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं इनके लिए ये किताब इनकी ज़बान में उतारी गई है और हमारा तरीक़ा यही है कि हमने जो रसूल भी भेजा है उसकी कौम की ज़ुबान में भेजा है इसलिए कि वो उन्हें अच्छी तरह खोल कर समझा दे। फिर अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है वो ज़बरदस्त है बड़ी हिकमत वाला है हमने इसी तरह मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा था कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाओ और उन्हें खुदा के दिनों की याद दिलाओ जिनमें उसकी देनत का जहूर हुआ है इसमें शुबा नहीं कि इनमें हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियां हैं जो खुदा की आज़माशों में सब्र और उसके अफसाल इनायात पर शिक्र करने वाला हो याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद रखो जब उसने तुम्हें फिरौन के लोगों से छुड़ाया जो तुम्हें नहायत बुरे अजाब देते थे वो तुम्हारे बेटों को ढूंढ ढूंढ कर जबाह कर देते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसमें तुम्हारे लिए बड़ी इनायत थी और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने ख़बरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़रूर मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा और अगर ना शुक्री करोगे तो मेरी सजा भी बड़ी सख्त है और मूसा ने इसके साथ तंबीह भी कर दी कि अगर तुम ना शुक्री करो और ज़मीन के सारे लोग भी इसी तरह ना शुक्र हो जाए तो खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ोगे इसलिए कि अल्लाह बेनियाज़ और अपनी ज़ात में आप महमूद है